brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. हरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया तो क्या उसका असर आम आदमी पार्टी के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिया अलायंस में आप लड़ रहे हैं तो चार के लिए उतरी हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं आप उसके बाद? बहुत बढ़िया माहौल है, खूब जोश है, आप देख रहे हैं कि कितना लोगों में जोश है, उत्साह है और इस बार कुछ बदलाव जरूर होगा। लेकिन सुनीता जी प्रचार के लिए उतरी हैं, वहीं पर आज का सबसे बड़ा घटनाक्रम दिल्ली का रहा, हरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया तो क्या उसका असर आम आदमी पार्टी के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिया अलायंस में आप लड़ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, नाराजगी जाहिर की? मुझे लगता नहीं ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला है, वो क्यों इस्तीफा दिया वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब जिस तरीके से सियासत बढ़ रही है, कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल के मामले में, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? हमें पूरा जुडिशरी में पूरा यकीन है और पूरी उम्मीद है कि हमें राहत मिलेगी। तो पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव से पहले बाहर आएंगे, उन्हें राहत मिलेगी। देखना ये होगा कि अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद अब आम आदमी पार्टी को फायदा होता है या नुकसान होता है, क्योंकि साफ तौर पर अरविंदर सिंह लवली ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन मंत्री और कार्यकर्ता आश्वस्त है कि इस बार चुनाव में जो सुनीता केजरीवाल मैदान में उतरी है उसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश यादव, दिल्ली।